भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि 3 दिसंबर का इंतजार हर प्रदेशवासी को है, जब प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। रमन सिंह ने दावा किया कि कम से कम 52 में से 54 सीटों के साथ भाजपा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी रही, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से कमजोर किया बल्कि CGPSC में हुई लूट जैसे मामलों ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया। भाजपा की सरकार जल्द से जल्द इन सभी घोटालों पर जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएगी। 3 तारीख के रिजल्ट की प्रतीक्षा पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को है, और 3 तारीख के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त यहाँ पे समय दिया, और जिस प्रकार अभियान चले हैं प्रथम और द्वितीय चरण में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मुझे कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है, और वो चाहे प्रथम फेज का हो या द्वितीय फेज का हो, बस्तर का हो या सरगुजा का हो या मैदानी क्षेत्र का हो, सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है, उन सब के निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 52 से 54 सीटों पे बढ़त के साथ सरकार बनाएगी, और स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। 3 तारीख का नतीजा ये कहता है। चेहरा बीजेपी ने तय नहीं किया है, सामूहिक नेतृत्व हमने पहले दिन से कहा है और आज भी यही बात कह रहे हैं, मगर विधायक दल की हमारी बैठक में और चुनाव होने के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक होती है, उसमें दल के नेता का चयन हो जाएगा, उसमें कहीं विलंब नहीं होगा। निश्चित रूप से जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, घोटाले के मामले हैं, उन मामलों में, कुछ मामलों में तो ईडी जांच कर रहा है, तो प्रोसेस में जाएगा, प्रक्रिया में जाएगा, जो सरकार को करना है वो सरकार करेगी। और जैसे PSC जैसे मामले हैं जहाँ पे जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक काम किया गया, इसमें तो तत्काल कार्रवाई सरकार बनने के साथ करने के लिए सक्षम होगी और तत्काल उस पर कार्रवाई होगी भी।